बच्चों वाला फिर पिछले लेक्चर वीडियो में देखा कैसे रिकॉम्बिनेंट डेटा टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डेवलपमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की बात करेंगे। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब वेक्टर विच इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग लार्ज नंबर ऑफ कॉपी ऑफ डिजायर्ड जीन एंड ट्रांसफरिंग ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट या होस्ट एनिमल एनिमल सेल। तो जो क्लोनिंग वेक्टर है वो हमारे डिजायर्ड जीन की कॉपी को बढ़ा सकते हैं और उनको दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो क्लोनिंग वेक्टर का कैरेक्टर क्या होना चाहिए? क्लोनिंग वेक्टर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड इंट्रोडक्शन इनटू द डिजायर्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो उसमें क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर माने ऐसे कुछ मार्कर हो जिससे हम पहचान सके रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, और उसमें क्लोनिंग साइट होनी चाहिए जहाँ पे हम डिजायर्ड जीन को ऐड कर सके, और वह एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जिससे वेरी इजीली हम अपने डिजायर्ड जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुँचा सकें। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफेसियंस है, उसका टीआई प्लाज्मिड बहुत ही यूनिक है, उसके साइट पे अगर हम एलियन जीन डाल दें तो खुद ही होस्ट प्लांट के सेल में डिजायर्ड जीन को पहुँचा देता है। तो इस तरह से क्लोनिंग वेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। अब जरा देखते हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मीन्स द डीएनए में रिप्लिकेशन कहाँ से शुरू होता है। तो जो हमारा डीएनए है तो डीएनए में एक ऐसी साइट जहां से डीएनए खुलता हो, जैसे कहने का मतलब यह है कि कोई साइकिल की चेन है, जहाँ लिंक कमजोर होगी वहीं से तो टूटेगा, कपड़ा है जहाँ कमजोर होगा वहीं से तो फटेगा। तो डीएनए में कौन सा पॉइंट ऐसा है जहाँ से पहले रिप्लिकेशन शुरू होता है? तो हेलिकेज एंजाइम जहाँ से उसके बेस के बांड को खोलेगा वहीं से रिप्लिकेशन शुरू होगा। जैसे यहाँ पे GAA, GAA, TTC, फिर GA हो गया, और वैसे ही यहाँ पे जो है अब मान लीजिए CA, CT, AA, GG, C और T। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ए और यहाँ पे टी हो जाएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड, टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब जरा देखिए यहाँ ट्रिपल डबल ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल ट्रिपल, लेकिन डबल डबल बॉन्ड कहाँ है? AATTC, यहाँ पे डबल डबल बॉन्ड है, मतलब ये वीक बॉन्ड है, तो यहाँ से जल्दी से खुलेगा, हेलिकेज एंजाइम यहाँ से खोल देगा। तो द साइट एट विच डीएनए हेलिक्स ओपन, ऐसा डीएनए का साइट जहां से ओपन होता है, रिप्लिकेट होता है, ये ओपन होता है, तो वही पे जो है अब क्या होगा, रिप्लिकेशन शुरू होगा। तो साइट एट विच डीएनए हेलिक्स ओपन एट फर्स्ट एंड रिप्लिकेशन स्टार्ट्स, तो जहां ओपन होगा जैसे दोनों हेलिक्स है, जब ये ओपन होगा तब तो यहाँ पे नई कंप्लीमेंट्री हेलिक्स आएगी ना। अब जैसे यहाँ पे ओपन हो गया तो यहाँ ओपन हो गया तो कंप्लीमेंट्री हेलिक्स आएगी, यहाँ कंप्लीमेंट्री हेलिक्स आएगी, जो ओपन ही नहीं होगा तो कंप्लीमेंट्री हेलिक्स आएगी कहाँ से? तो जहाँ से ओपन होता है, जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसी को हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। तो साइट इन डीएनए फ्रॉम विच द हेलिक्स ओपन एंड स्टार्ट्स रिप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। जैसे इस साइट से हेलिक्स ओपन हुआ, हेलिकेज एंजाइम की उपस्थिति में, हेलिकेज एंजाइम ने हेलिक्स को खोला और यहाँ पे फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखिए बनने लगा, न्यू स्ट्रैंड बनने लगा, तो अब एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे। तो साइट एट विच द डीएनए हेलिक्स ओपन एंड स्टार्ट रिप्लिकेशन, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो अगर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है तभी वो ज्यादा ज्यादा रिप्लिकेट करेगा, तभी ज्यादा कॉपी नंबर हम डिजायर्ड जीन का बना सकते हैं। तो किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें सेलेक्टेबल क्लोनिंग साइट, कहां पे हम क्लोनिंग करें। अगला है क्लोनिंग साइट क्या होना चाहिए। तो क्लोनिंग साइट
the site where DNA to be cloned is exerted into vector. जैसे हमारा एक vector है, अब यह vector में vector DNA है, प्लाज्मिड है, और कट कर दिया। जब कट किया, किस साइड पे कट किया? जहां पॉलीनोमिक साइट है वहां पे जो है स्टिकी इंड बन गया ऐसे, और यहाँ पे एक कट हो गया। तो एक कट होकर के इस तरह से एक खुल गया। तो अब हमारा यह ऐसे खुला, कट करके स्टिकी इंड बन गया, इधर भी क्या बन गया, स्टिकी इंड बन गया। तो जिस साइड से खुला इसी साइट पे हमारा एलियन डीएनए आके ऐड होगा। तो इस साइट पे हमारा जब एलियन डीएनए आकर के ऐड होगा तो इसी को क्या कहेंगे, क्लोनिंग साइट। माने द साइट एट विच द रिस्ट्रिक्शन इन द एंडोन्यूक्लियर एंजाइम कट द डीएनए मींस प्लाज्मिड माने वेक्टर एट द साइट आवर एलियन डीएनए एडेड, उसी साइट पे हमारा एलियन जीन ऐड हो गया तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्लोनिंग साइट कहेंगे। जिस साइट पे प्लाज्मिड के वेक्टर के हमारा एलियन जीन आके ऐड हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, क्लोनिंग साइट कहेंगे। तो यहाँ पे हम जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखते हैं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर एंजाइम लिखते हैं इसको कट करने के लिए, और कट करके फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम लेते हैं एलियन जीन को जोड़ने के लिए। खास तौर से तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही तरह का रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियर एंजाइम ले, जैसे इकोवार फर्स्ट है तो प्लाज्मिड को भी कट करने के लिए वही ले, और एलियन जीन को भी कट करने के लिए उसके डीएनए से वही ले, ताकि दोनों में जो है जो ओवरहैंगिंग जो स्टिकी है बिल्कुल सेम साइज हो, ताकि वो आकर के यहाँ पे सेट हो जाए। तो बच्चों आप समझ में आ गया होगा आपको कि हमारा क्लोनिंग साइट क्या होना है, कि यह एक कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है, इसका इस्तेमाल देखिए PBR322 है, ये सेलेक्टिबल मार्कर के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो PBR322 में सेलेक्टिबल मार्कर में हम ऐसा प्लाज्मिड लेते हैं, ऐसा क्लोनिंग वेक्टर लेते हैं जिसमें एटलीस्ट दो सेलेक्टिबल मार्कर, एक सेलेक्टिबल मार्कर देखिए यहाँ MPCB रेजिस्टेंस जीन है, AMPR है, जैसे कि यह प्लाज्मिड है, यह प्लाज्मिड है, यह प्लाज्मिड है, इसमें MPCB रेजिस्टेंस जीन है, और यहां पे क्या है TETR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, AMP रेजिस्टेंस जीन है, MPCB रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। अब इस प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया में रखेंगे, और उस बैक्टीरिया को अगर आप MPCB मीडियम में रखेंगे, MPCB एंटीबायोटिक मीडियम में रखेंगे तब भी ये जीवित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे MPCB रेजिस्टेंस जीन है, इस बैक्टीरिया को बचा लेगा। अगर इसको टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखते हैं, टेट्रासाइक्लिन भी क्या है, एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखते हैं तब भी ये बैक्टीरिया जीवित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे TETR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, ये दोनों जीन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो MPCB मीडियम में भी ये बैक्टीरिया सेफ रहेगा, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी बैक्टीरिया सेफ रहेगा। लेकिन सपोज कर लीजिए कि अगर हम अपना एलियन जीन टेट्रासाइक्लिन साइट पे अगर डाल देते हैं तब तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिवेट हो गया। जैसे आपके पास पेन में ब्लू रिफिल है, लिखेंगे तो ब्लू आएगा, लेकिन अगर ब्लू रिफिल को निकाल के रेड रिफिल डाल देंगे अब लिखेंगे तो कैसा आएगा, रेड आएगा, ब्लू नहीं आ सकता, क्योंकि आपने ब्लू रिफिल को हटा करके उसकी जगह पे क्या कर दिया, रेड रिफिल डाल दिया। तो अगर ब्लू रिफिल हटा के रेड डाला, लिखने लगे तो रेड आने लगा, इसका मतलब आपने ब्लू वाले को रिप्लेस कर दिया किससे, रेड वाले से, इसलिए ब्लू नहीं लिख रहा है, पेन रेड लिख रहा है। तो यहाँ पे रेड कलर का लेटर लिख रहा है। यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पे MPCB रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, MPCB रेजिस्टेंस जीन है, चलिए यहाँ पे MPCB वाले को हम रहने देते हैं, AMPR MPCB रेजिस्टेंस जीन, लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले पर हम BAM H1 से इसको कट कर देते हैं, अभी खुल जाएगा,
अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से खुल जाएगा, क्या आपने यूज कर दिया, यहाँ पे सालवन चाहे बैम एच वन यूज कर दिया, बैम एच एन बैम एच वन यूज कर दिया, अब ये खुल गया। जब खुलेगा इस तरह से, अब ये खुल गया, तो यहाँ पे एम पी सीलिंग रजिस्ट्रेंस जिन तो है आपके पास, ए एम पी आर है, लेकिन यहाँ पर कौन सा जीन इनएक्टिवेट हो गया, कौन सा जीन इनएक्टिवेट हो गया, यहाँ आपने खोल दिया इसको, तो अब यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन वाला जीन यहाँ पे हट गया। अब यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाले जीन के जगह पे आपने क्या डाल दिया है, अपना एलियन जीन। तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, रिकॉम्बिनेंट तो हो गया, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि ये रिकॉम्बिनेंट बन गया कि नहीं बन गया, आपका एलियन जीन ऐड हो गया कि नहीं ऐड हो गया, क्यों, आपने किस पॉइंट पे डाला था, आपने लिया था दूसरा प्लगइन जिसमें एक साइड पे एएमपीआर रेजिस्टेंस सिग्नल रेजिस्टेंस था, दूसरे साइड पे क्या था, टीएटी आरटी डेटा साइकिल रेजिस्टेंस था। तो जब इस प्लगइन वाले बैक्टीरिया को एमपीसीडी में डाल रहे थे तो बीच भी करता था, ट्रेसिंग ज्यादा करता था, तभी भी करता था, लेकिन आप अभी आपने बैम एच वन रिस्ट्रिक्शन इंजो न्यूक्लियस एंजाइम लेकर के इसको कट कर दिया, तो कट करके आपने लाइगेज एंजाइम से डीएनए लाइगेज एंजाइम से आपने क्या किया, एलियन जीन को जोड़ दिया। अब कौन सा जीन इनएक्टिवेट हो गया भाई, जिसको आपने रिप्लेस कर दिया एलियन जीन से, कौन सा जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, उसकी जगह पे क्या आ गया, एलियन जीन। अब इस प्लाज्मिड को किसी बैक्टीरिया में डाले, सपोज कर लीजिए इस प्लाज्मिड को, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने बैक्टीरिया में डाल दिया, और यहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, लेकिन इसको अगर हम एम्पीसिलिन मीडियम में रखते हैं, एम्पीसिलिन मीडियम में रखते हैं, तब तो ये जीवित रहेगा बैक्टीरिया, क्योंकि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो है ही है, ये तो है ही यहाँ। लेकिन फिर अगर हम इसी को किस मीडियम में रखें, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखें, तब क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखें तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन वाला जीन तो इनएक्टिवेट हो चुका, किससे, एलियन जीन से। अब इस मीडियम में ये बैक्टीरिया टी टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, अब यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन की जगह क्या आ गया, एलियन जीन आ गया। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया है, रिकॉम्बिनेंट नहीं बनता तो यह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होता, लेकिन रिकॉम्बिनेशन हो गया इसलिए टेट्रासाइक्लिन जीन यहाँ पे नहीं है, अब एलियन जीन आ गया। इस तरह से हम लोग सेलेक्टिबल मार्कर यूज करते हैं, वेक्टर लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि सेलेक्टिबल मार्कर है कि नहीं। तो एक ऐसा सेलेक्टिबल मार्कर है जिसमें दो सेलेक्टिबल मार्कर दिखाई दे रहे हैं, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब इसको हम ले लेते हैं, और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन मीडियम साइड पे अगर ऐड करना है तो हमको बैम एच वन या फिर सालवन से काटना पड़ेगा, एम्पीसिलिन साइड पे ऐड करना है तो पीएचटी फर्स्ट या पीवीयू फर्स्ट से कट करना पड़ेगा। तो जिस तरह का हम एंजाइम लेंगे उसी साइड को कट करेगा, बैम एच वन लेंगे चाहे सालवन लेंगे तो यहाँ नहीं कट करेगा, टेट्रासाइक्लिन साइड पे ही कट करेगा। तो टेट्रासाइक्लिन साइड पे कट किया और अपना एलियन जीन डाला तो जहां कट हुआ है वहीं पे जाके ऐड हो जाएगा। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिवेट हो गया लेकिन एम्पीसिलिन जीन अभी एक्टिव है। अब इनको हम एम्पीसिलिन मीडियम में रखेंगे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, तो एम्पीसिलिन मीडियम में तो बैक्टीरिया सर्वाइव है क्योंकि एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, लेकिन जैसे ही टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखेंगे, अब टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखेंगे तो यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है इसलिए वहां पर सर्वाइव नहीं करेगा। इसका मतलब कि यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, टेट्रासाइक्लिन की जगह पे क्या आ गया है बच्चों, एलियन जीन। इस तरह से हम बच्चों सेलेक्टिबल मार्कर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पहचान सकें कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच।